तो गुलाल से भी डर रही थी, अभी अर्चना आई थी तो। ये सबसे छोटे छोटे बाबा हैं, एकदम सॉफ्ट बने, ऐसे नहीं कि। तो नमस्ते जी, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो बस मैंने तल लिए ये दही बड़े के लिए, और बस बुरी हालत हो रही है थोड़ी सी, अब वाला आराम से रेस्ट करूंगी क्योंकि सुबह से लग रही हूँ झाड़ू में थक जाती हूँ मैं तो। और घर का काम पड़ा है, रसोई बर्तन सब पड़े हैं, और अकेले को काफी काम हो जाता है। तो ये नहा लिए, पहले ही पूजा करेंगे, उसके बाद ये टीका वीका कर देंगे, फिर मैं नहा के आ रही हूँ। पसीना सूख जाएगा पर मैं नहा के आती हूँ। तो मैं इनको तल के इसलिए रख देती हूँ ताकि हम नहाएंगे धोएंगे तब तक ये पानी में पड़े रहेंगे, उसके बाद आराम से आप, और आपको भी आइए, आप भी इन्वाइट हो, खाओ आके दही बड़े कैसे बने, और आराम से खेलो। पानी से नहीं, गुलाल से खेला यार, पानी से तो वैसे तो मजा आता है। गर्मी आ गई अब की बार, क्योंकि और बार हम डरते थे दिल्ली में कि ठंड लगेगी, लेकिन अब की बार ठंड नहीं लगी। अब की बार तो कोई ठंडा पानी डाला है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कोई खेल नहीं, क्यों गेहूँ कट रहे हैं और गेहूँ कुट भी रहे हैं, तो यहाँ कोई फ्री नहीं है, इस वजह से यहाँ कोई नहीं खेल रहा। हम ही खेलेंगे और बच्चे खेल रहे हैं बस। तो ये बन रहे हैं मेरे दही बल्ले, बड़े बड़े बना रही हूँ। तो ये सीख रहे हैं, और ये सुनहरी कलर ही करना है, ज़्यादा भी नहीं सेकना है इनको। और ये आगे नहाकर तो फिर ये ठाकुर जियों के भगवान जी के टीका करेंगे, उसके बाद हम टीका करेंगे, क्योंकि पहले भगवान जी के टीका करते हैं गुलाल से हम। तब तक मैं इनको सेक कर रख लूँगी, ये सीख जाएंगे, और फिर पानी में डाल दूँगी जितने खाने होंगे। मैंने सेक कर रख रखे हैं, और अब गर्म पानी कर रही हूँ तो थोड़े गर्म पानी में डाल दूँगी, और एकदम सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए ये, और एकदम फूल गया है। दाल मैंने बहुत अच्छे से फेंटी थी, तो बस अब ये पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को नहलाया है, और हैप्पी होली तो बोल लो भैया सबसे, सभी को हैप्पी होली, सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली, रंग भरी। कल की पूजने वाली थी, आज की रंग भरी, और मेरी शक्ल नहीं दिख रही। आप सोच पसंद आया, ये हमारे गांव की होली ऐसे मनाई जाती है। अब चलो सही है, सूखी खेल रहे, पहले तो कीचड़ से खेल रहे, गोबर से खेला है, अब तो अन्य गुलाल से खेल रहे हैं, गुलाब को फूल से। मैं तो गुलाल से भी डर रही थी, अभी अर्चना आई थी तो, और अर्चना की बच्ची ने मेरे को सारा खराब कर दिया। देख ये मेरी बेटी है, ये अब क्या आखिरी होली है, शादी है इसकी, शादी है जून में, यही चली जाएगी, और खेल लेने से होली भी खेलने से के लिए अगली होली पे तो आएगी साथ, क्योंकि पहली होली पे आते हैं, कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। पहली होली पे तो नहीं आते, अच्छा पहली पे तो ससुराल होली पे आ जाते हैं, अगली बार तो ये ससुराल में ही रहे तो हमारी आपको पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर हमारी होली अच्छी लगे। हमारा ससुर आ गया इसलिए हमको घूंघट करनी पड़ गई। अर्चना लीजिए बेटे, ये बाबा है, मम्मी जी इनके ये होली खेल रहे हैं, थोड़ा सा गुलाल लगाएंगे इनके। ये सबसे छोटे छोटे बाबा हैं, ये चाची है, गुलाल लगा रही है बाबा के। मेरा है बाबा, तो इन लोगों का तो ससुर है, मेरा तो बाबा है। तो ये मेरे दही बड़े हो गए तैयार, तो आप भी खाइए चम्मच देना एक। तो बस तैयार है, नहा धो के आ गई हूँ, और बस पहले इनको दे रही हूँ, और देखिए एकदम सॉफ्ट बने, ऐसे नहीं कि ऐसे ही, देखिए ऐसे बिखर गया बिल्कुल, तो बहुत सॉफ्ट बने। पर जितना इसको फेंटोगे ना इतना ही अच्छा रहेगा, दही बल्ले की ये खूबी है। तो मैंने दाल बहुत अच्छे से फेंटी थी, तो ये मेरे दही बड़े बन के तैयार, और मैंने इनको प्लेट लगा के दे दी है, और बाकी जो मैंने ये पानी में डाल रखे हैं, अब जैसे जैसे खाएंगे ऐसे निचोड़ के दे दूँगी। बहुत सारे बनाए हैं, और दाल भी बच गई है, ये मैंने जीरा भून के रख लिया है, और ये मेरी चटनी जो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। थैंक यू। तो आइए आप भी दही बल्ले हमारे खाना, और कमेंट करके बताना मेरे दही बल्ले देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, और आप देख लीजिए मैंने फोड़ के देखा, एकदम सॉफ्ट है बिल्कुल, मुंह में जाके घुलने वाला है। तो चलो खाइए प्रेम से, और अब खाओ, और इनको खिलाती हूँ, इनको खिलाऊंगी, पहले इनको लगा के दिए सबसे पहले प्लेट, मैं बाद में खाऊंगी। ये बन रही है मेरी पूरी, क्योंकि मैंने सब्जी बनाई तो मैं कहते हैं कि त्योहार के दिन ना खाली नहीं जान देना चाहिए, कुछ पक्का बनाना चाहिए, तो वही बात याद आ गई, नहीं तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर मैंने सेक कर रख दिया, तो इनको बुलाने गई थी अभी कि खा लो। तो ये आप खाइए पूरी, आ जाओ गर्मा गर्म।
मैं थोड़ी सी सेकूंगी, दो जने को जितनी सी चाहिए। और ये आटा रखा है और अब बेल रही हूँ बस, और बना रही हूँ।